नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। सो गाइज, इतने दिन से हो रही थी तैयारी ननद जी के घर जाने का, तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ननद जी के घर। और ये है सुबह 9 बजे का व्यू, क्योंकि हम लोग को ये था कि प्लानिंग की हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे निकल पाएंगे, पर कहाँ 8 बजे हुआ तो हम लोग 9 बजे निकले हैं। तो अभी तो हम लोग देखो यहाँ पे रखते हैं सब सामान वगैरह कि कहीं कुछ भूल ना जाए, इसलिए सारे सामान को रखते हैं। और इसके बाद हम लोग बैठते हैं गाड़ी में जाने के लिए ननद जी के घर और मिलने के लिए अपनी प्यारी सी भांजी यानी अन्या से। बाद हम लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और मैं बोलती हूँ कि मुझे साइड में बैठना है क्योंकि मेरा होता है मन खराब गाड़ी में। और फाइनली गाइस, 1 घंटा का ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए ननद जी के घर। और यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट आए होते हैं, ये सब दीदी सब होती हैं, मतलब सब अपने ही इधर के ही होते हैं, सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे वेलकम होता है, पानी वगैरह पी के हम लोग ऐसी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। और फिर इसके बाद ये देखिए, मिलिए मेरी क्यूट सी भांजी। बोलो हेलो फैमिली, मेरी मामी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। देखो गाइस, ये लड़की मेकअप कर रही है, अभी डांस होगा। ये दीदी भी तैयार हो रही है डांस करने के लिए। चलिए दीदी तब सौम्या कैसा फील हो रहा है मामा बन के? और इसके बाद यहाँ पे आती है बाजी डांस करने की। ठीक है, फोटो के झूले ले रो जाना हो।
और यहाँ पे हम लोग करते हैं काफ़ी सारी मस्ती। डांस करने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर में। तो यहाँ पे एक मतलब रस्म होता है कि बच्चे को लेके गोदी में खाना खाना होता है। तो यहाँ पे ननद जी अन्या को लेके गोदी में खाना खा रही हैं। और इधर देखिए ये सब लोग हैं, ननद जी हैं, इधर मौसी जी, मामी जी, और इधर मैं एल्विस को सेरेलैक खिला रही हूँ। और ये है उनका रूम। और बाकी गाइस आप आई होप आप सब ने मेरा ब्लॉग इंजॉय किया होगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।